अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों ये है जी सेकंड वीडियो एक्स टूल की D1 Pro 20 वाट के ऊपर। पहले वीडियो के अंदर जो है हमने मुकम्मल अनबॉक्सिंग की थी, जिसके अंदर मैंने आपको मशीन अनबॉक्स करके दिखाई थी, इसका एयर असिस्ट जो पंप है वो यूज कर जो है अनबॉक्स करके दिखाया था, उसके बाद इसका रोटरी किट जो थी वो अनबॉक्स करके दिखाई थी। तो आज की वीडियो सेकंड वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं जो हूँ मुकम्मल इस मशीन को असेंबल करके दिखाने वाला हूँ, किस तरह एयर पंप अटैच करना है, किस तरह आप रोटरी को जो है असेंबल करेंगे और किस तरह अटैच कर सकेंगे। तो सारी असेंबलिंग की आज वीडियो होने वाली है, इसके अंदर मुकम्मल डिटेल है कि किस तरह इसको असेंबल करना है, असेंबल करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों का ध्यान नहीं रखना, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या सेफ्टी है, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आज की ये वीडियो भी आपको जो है बहुत पसंद आएगी, जिस तरह आपने पहले वीडियो को ज्यादा सपोर्ट किया, इसको भी इतना ही ज्यादा सपोर्ट करना है आप सब दोस्तों ने। और उसके बाद जो है फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो आखिरी वीडियो होगी उसके अंदर इसकी जो है टेस्टिंग ले आऊंगा, जिसके अंदर इसकी कटिंग मुख्तलिफ चीजों के ऊपर काट कर चेक करेंगे, मुख्तलिफ चीजों पर डिजाइनिंग करेंगे, यानी कि डिटेल जो होगी ना वीडियो कटिंग की, डिजाइनिंग की, इंग्रेविंग की, वो मैं लेके आऊंगा। लेकिन आज की असेंबली की वीडियो है तो असेंबली की मुकम्मल वीडियो को देखिएगा, उसके बाद मुझे डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है, वहां से चाहे इसको विजिट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और कमेंट में बताना है कि आपको ये मशीन कैसी लगी है। तो टाइम को ज्यादा जाया नहीं करता, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो लीजिए जी, भी आप देख सकते हैं ये आ चुके हैं जी, काफ़ी सारी जो है लेंथ है अपनी जो है CNC लेज़र मशीन की। तो अब हमने इसकी फ़िटिंग स्टार्ट करनी है, तो फिटिंग स्टार्ट करता हूँ मैं जी इसकी क्विक स्टार्टर गाइड से। तो ये मेरे पास इसकी क्विक स्टार्टर गाइड है जिससे हमने इसको फिट करना है, इसकी इंस्टॉलेशन सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो जिस तरह हमें बताया होगा हमारे इस बुक के ज़रिए, उसके ज़रिए हमने सारी जो है अलाइनमेंट कर लेनी है, फ़िटिंग कर लेनी है। तो अभी मैं सारी जो है लेंथों को आपस में रख लेता हूँ ताकि एक शेप क्रिएट हो जाए, उसके बाद अब बराबर में आपस में इसको स्क्रूज की मदद से जो है फिट कर दूंगा। अभी मैं बारी बारी करके सारी लेंथों को आपस में कनेक्ट कर दूंगा मशीन की। और इसके साथ एक बॉक्स दिया जाता है जिसके अंदर आपको टूल्स मिलते हैं और इसके जो है स्क्रूज वगैरह मिलते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जिसके ज़रिए आप इसको फिट कर सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं मैं सारी जो है फिटिंग कर दूंगा इसके अंदर, और जितने भी नट होंगे वो सारे मैं अटैच कर दूंगा। और उसके साथ साथ हम जो है इसकी सारी लेंथों को तरतीब से जोड़ देंगे ताकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जितनी लेंथें हैं वो सारी इसके साथ जुड़ सकें। और उसके बाद आप देख सकते हैं सारे जो हैं तकरीबन मैंने स्क्रू इसके साथ अटैच कर लिए हैं, और उसके बाद हमने जो है इसके साथ जो है बाकी इसकी फ़िटिंग भी अटैच करनी है जो कि इसकी बेल्ट की टाइटनेस की है, यानी कि हम इसको फुल टाइट कर देंगे इसकी अलाइनमेंट के मुताबिक। और जिस तरह मैं टाइट करूँ उस तरह साथ साथ आप इसके टोटल बेल्ट जो है टाइट कर सकते हैं, वैसे इसका एक ही बेल्ट टाइट करना पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। और उसके बाद दूसरे बेल्ट को जो है आपको फ़िट कर लेना होता है, इसका जो है ये वाई एक्सिस का बेल्ट है और वाई एक्सिस की ये जो रॉड है इसको वाई एक्सिस की मोटर के साथ अच्छी तरह पुलियाँ वगैरह को टाइट करके जोड़ देना है। और अब ये काम करना है जी, हमने इसके साथ जितने भी फिटिंग है वो कर लेनी है जो एक्स एक्सिस की है। तो एक्स एक्सिस की जो मुकम्मल फ्रेम है हमने इसके जो है नीचे दिए गए बैरिंग्स में जो फिटिंग है उधर फिट कर देना है, इसके साथ जितने भी नट वगैरह वो भी अटैच कर लेना है। लेकिन उसके साथ पहले जो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जो मोटर है उसकी जो है वायरिंग कर लेते हैं, उसके बोर्ड के साथ कनेक्शन दे लेते हैं, उसके बाद केबल टाइज की मदद से हम इसको जोड़ देंगे ताकि वो यहाँ से हिले ना तार, और जब हम उसकी कटिंग वगैरह कर रहे हों या जब यूज़ कर रहे हो मशीन को तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो मशीन के अंदर। तो हम इसलिए केबल टाई लगाना बहुत ज़रूरी है। अब बारी आ चुकी है जी एक्स एक्सिस के नट वगैरह को अटैच कर लेते हैं। तो मैंने जो है एक साइड के अभी नट जो है अच्छी तरह टाइट कर रहा हूँ ताकि यहाँ से जो है अच्छी तरह टाइट होकर हमारी अलाइनमेंट ख़राब ना हो एक्स एक्सिस की। और उसके बाद जो है हमने जो है परली साइड की या दूसरी साइड की जो है नट बोर्ड लगाकर अच्छी तरह टाइट कर देना है, और दरमियान वाले नट को टाइट करके अच्छी तरह इसके बेल्ट को जो है टाइट कर देना है ताकि हमारे एक्स एक्सिस का जो बेल्ट है वो ख़राब ना हो, और जब हमारी मशीन चल रही हो तो वो अच्छी तरह मूव करे, क्योंकि बेल्ट अगर लूज़ होगा तो सही कटिंग या इंग्रेविंग नहीं हो पाएगी। तो अब जो है हमने इसकी मेन वायरिंग कर लेनी है, मेन वायर जो है उसको सेट करके उसकी वायरिंग अटैच कर लेनी है, उसके साथ जारी केबल टाइयाँ वगैरह लगाकर उसके टर्मिनल्स को अटैच कर देना है बोर्ड के साथ, और जो टर्मिनल इसके वायर के साथ दिए गए हैं वाइट को वाइट के साथ अटैच कर लेना है, रेड को रेड के साथ अटैच कर लेना है, और उसके बाद जो ब्लू या येलो है उसको येलो के साथ अटैच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं तकरीबन सारी केबल टाइज को अच्छी तरह अटैच कर रहा हूँ, उसके बाद वाइट को वाइट के साथ अटैच कर लूँगा और उसके बाद येलो को येलो के साथ भी अटैच कर दूंगा।
ये जो मेन केबल है इसके ज़रिए ही मुकम्मल मशीन के एक्स एक्सिस को पावर जब भी जाएगी, और साथ साथ आपके लेज़र मॉड्यूल जो है उसको भी पावर इसी वायर से जाएगी। आप देख सकते हैं सारी अलाइनमेंट हो चुकी है और परफेक्ट काम कर रही है। अब ये आ चुका है जी हमारा 20 वाट का लेज़र मॉड्यूल, जिसकी अभी हमने सेटिंग करनी है। तो इसकी सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने इसके साथ नोज़ल लगा लेनी है, जो कि एयर नोज़ल होती है, जो आपको एयर असिस्ट के साथ दी जाती है। अभी हम इसके नट वगैरह को खोल लेते हैं ताकि हम इसके कवर को उतार सकें, और कवर को उतारने के बाद हमने इसके साथ नोज़ल को अटैच कर लेना। आप देख सकते हैं मैंने कवर उतार लिया, हमारी जो है मुकम्मल मॉड्यूल लादा हो चुका है। अब ये नोज़ल के साथ हमने जो है इसकी पाइप की नोज़ल भी अटैच कर लेनी है, उसके बाद एल की मदद से हमने इसको अच्छी तरह टाइट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह टाइट हो चुकी है हमारी नोज़ल। उसके बाद वापस इसका जो प्रोटेक्शन कवर है इसको लगा लेना है ताकि हमारी आई प्रोटेक्ट रहे। तो मुकम्मल लेज़र मॉड्यूल रेडी हो चुका है। अब सारी बात है जी एयर पंप की, एयर असिस्ट किट की, एयर असिस्ट किट के साथ जो भी सामान दिया हुआ है उसके साथ हमने अटैच कर लेना है। इसके साथ भी स्पेशल यूज़र मैनुअल दिया है, उसको अटैच कर लेना है, पाइप को अटैच कर लेना है, उसके बाद पाइप को हमने लेज़र मॉड्यूल के साथ अटैच करके रेडी कर लेना है। तो आप तकरीबन आप देख सकते हैं हमारी मशीन सारी रेडी हो चुकी है, और रेडी होने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आखिरी चीज़ ये है कि इसका रोटरी वाली जो मुकम्मल किट है उसको यूज़ कर लेना है, उसको इस्तेमाल कर लेना है कि किस तरह इसको यूज़ करना है। और इसको यूज़ करने के लिए इसके साथ जितनी भी अलाइनमेंट वगैरह दी है वो कर लेनी है। उसके बाद इसका चक वाला एक आपको फ्रेम दिया गया है, जो कि आपने इसको इसके साथ अटैच कर लेना है, और इसके बाद दो नट बोर्ड लगा के अटैच कर लेना है। इस चक वाले का फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए आप रोटरी के ज़रिए मुख्तलिफ़ ज्वेलरी के ऊपर जो है इंग्रेविंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इसके साथ जो है एक पुली भी दी जाती है ताकि आप इसको बेल्ट के साथ इसके साथ अटैच कर सकें, ताकि आपका चक मोटर के ज़रिए जो है मूव कर सके। क्योंकि ये 2-in-1 रोटरी है, इसके साथ एक ही मोटर से सारा रोटरी काम कर रहा होता है, तो इसलिए एक ही बेल्ट के ज़रिए सारे काम होंगे। और इस रोटरी से आप ज्वेलरी के ऊपर भी इंग्रेविंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऐसी शेप्स के ऊपर कटिंग इंग्रेविंग कर सकते हैं जो आम रोटरी नहीं कर सकता, वो ये कर सकता है। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे इसके साथ कटिंग करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपने देख लिया हमारी मशीन मुकम्मल रेडी हो चुकी है। हमने मुकम्मल अपनी मशीन को जो है कर लिया असेंबल, साथ साथ एयर असिस्ट के साथ हमने नोजल वगैरह अटैच कर ली थी, आपने देखा था पंप अटैच कर लिया है। पंप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप कटिंग कर रहे हो तब आपने पंप को इस्तेमाल करना, जब आप कटिंग नहीं कर रहे आप पंप को ना इस्तेमाल करें, यह भी सबसे अच्छी चीज़ है। और 20 वाट का मॉड्यूल अटैच हुआ है, साथ साथ इसकी रोटरी भी इसके साथ हमने जो है यूज़ करनी है। आप देख सकते हैं मुकम्मल रेडी है ये भी यूज़ करने के लिए। और इसके ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरी के प्रोडक्ट या ऐसे ही जो है नफीस प्रोडक्ट जो होती है, जो आप उनके ऊपर इंग्रेविंग या अटैच करना चाहते हैं या कटिंग करना चाहते हैं, तो इसके जरिए कर सकते हैं। और इसके साथ मुख्तलिफ अटैचमेंट कंपनी ने दी हुई हैं, जो मुख्तलिफ अटैचमेंट मुख्तलिफ चीज़ों के लिए बेहतरीन चीज़ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आज हमने जो है इसकी मुकम्मल असेंबली कर ली है, और आपको उम्मीद है वीडियो देख कर भी असेंबली पसंद आ गई होगी कि किस तरह हमने असेंबल की मुकम्मल मशीन। तो सेकेंड वीडियो जो है इसको आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, जिस तरह आपने पहली वीडियो को सपोर्ट किया, उसके बाद थर्ड वीडियो में मुकम्मल कटिंग की ले आऊँगा डिटेल वीडियो। तो अब मिलूंगा दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो है मुझे दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।